करवाने वाली है टेंट सिटी का, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा टेंट सिटी बताती हूँ क्या फैसिलिटी है, जो मैम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगी। तो मैम, ये मेरा चैनल है यूट्यूब की चैनल, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को सभी कुछ आप एक्सप्लेन करिएगा, यहाँ पे कौन से पैकेजेस है, राइट? डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वंस वी स्टार्ट द टूर। ओके, फाइन चलिए। ये जो है ये मेन गेट है, मेन गेट, ये मेन गेट से जो भी गेस्ट होता है यहाँ से ही, जो बस वगैरह आती है हम लोगों की, ये मेन गेट से ही रहती है। ओके, सभी गेस्ट का रहता है वहाँ पर, हम लोगों का लगेज काउंटर। और मैम, जो हमारे गेस्ट आते हैं जिसका पैकेज बुक होता है, जैसे ही भुज रेलवे स्टेशन से उतरते तो आपकी बस जो है वो वहाँ पे ऑन द वे अवेलेबल ही होती है, उनको टाइम दे दिया जाता है कि इतना बजे 8:30 AM आप लोगों का टूर एक फिक्स टाइमिंग रहता है, वहाँ पे आके उनको पिकअप कर लेती है। ऑलरेडी एक आइटनरी मेल चला ही जाता है, ओके, एजेंट्स के द्वारा एक मेल चला ही जाता है, वो पूरा पैकेज उनका लिखा जाता है कि फर्स्ट डे आपका ये रहेगा, पिकअप आपका ये टाइम पे रहेगा, ब्रेकफास्ट आपका ये टाइम पे रहेगा, पूरा एक आइटनरी उनका सेट होता है, पूरा आइटनरी सेट होता है। जैसे वेलकम होता है यहाँ से, हाँ, पर हम लोगों का जो भी ढोल वगैरह है, जब सब ढोल वो हमारा वेलकम हुआ था अभी, हाँ, वही उसी जो नेचुरल यहाँ पर कल्चर है ढोल वगैरह का, हाँ, उसके दौरान सभी गेस्ट का वो वेलकम होता है। ओके, और जैसे ही अभी आप आगे आते हो तो ये देखिए यहाँ पे पूरा, ये पूरा हम लोगों का पोल्ट्री है, हाँ, यहाँ पर तोरण वगैरह सब कुछ मिलते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको शॉल्स वगैरह दिखेंगी, अच्छी एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह की, तो यहाँ से कुछ परचेज करना है तो यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं चीजें। ओके, अलग अलग तरह की यहाँ सब रेट फिक्स है, बार्गेनिंग करें तो देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कच्छ का ट्रेडिशन है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर पूरा एक मेडिकल असिस्टेंट सर्विस भी रहता है, कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस भी यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती है, ये सबसे बड़ी सुविधा है। तो यहाँ से जो भी गेस्ट आते हैं उनको अगर बाहर कुछ एक्सप्लोर नहीं करना तो वो यहाँ पे सब शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैम, सभी रीजनेबल रेट पे रहती है कि थोड़ा रीजनेबल, मतलब यहाँ पर आप अच्छे से बाय कर सकते, बिकॉज क्वालिटी इज वेरी गुड, क्वालिटी इज वेरी गुड, सर्विस एंड क्वालिटी यहाँ पर बाहर का एक्सप्लोर नहीं करने, तो आपको यहाँ पे इन हाउस ही बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है कि यहाँ पे ही आपको, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे मैम ने कहा प्राइस के हिसाब से। तो ये है टेंट सिटी का रिसेप्शन, और जो टेंट सिटी से वाइट रन का डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है, और रिसेप्शन के एग्जिट सामने ही आपको मिल जाएगा सुविनियर शॉप। कच्छ का ट्रेडिशन जो है वैसे आपको देखिए बहुत ही अच्छे स्टैचू मिल जाएंगे, जैसे ही आपका वेलकम होता है अंदर, जैसे ही आप एंटर करते हो बराबर। अभी मैम आप हमको वहाँ पे आपको आर्ट गैलरी, और मैम ये जैसे मैं देख रही हूँ अभी, ये बैटरी रिक्शा है, जो अगर ये सब पॉल्यूशन फ्री रिक्शा है, ई रिक्शा अवेलेबल है जिसमें डीजल वगैरह से नहीं चलता है, बिल्कुल पॉल्यूशन ई रिक्शा, अभी ये ई रिक्शा अवेलेबल है तो गेस्ट के लिए है बराबर, अंदर जाने के लिए बाहर जाने के लिए। ओके, और ये जैसे आप देख रहे हैं छकड़ा है, तो गेस्ट के लिए अगर उसको ये यूज करना है तो ये बैगेज वगैरह जो भी है वो लोडर से ही जाता है। अच्छा,
सो फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं आर्ट गैलरी में, द वर्ल्ड ऑफ रविंद्र सालवे, टेंट सिटी की आर्ट गैलरी। वाह, लेकिन जिसको पैशन है, जिसको शौक है, उसको वो तुरंत ही समझ जाएगा, राइट? हाँ, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो तो तुरंत ही समझ जाएगा। Only the connoisseurs who know what it is will understand the importance and the value of it. Why it is being done? तो उन्हें ये तो पेंटिंग है। फ्रेंड्स, अभी ये आर्ट गैलरी के सामने एग्जिट है, क्लब हाउस। तो चलिए अंदर चलते हैं क्लब हाउस में। फ्रेंड्स, जैसे जो पैकेज आप लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड है, क्लब हाउस, जो भी एक्टिविटीज रहती है, ये सब कुछ चार्जेबल एक्टिविटीज भी है। चार्जेबल एक्टिविटीज पे मैं आपको लेकर जाऊंगी, स्काई जिला एडवेंचर एक्टिविटी एरिया है, वो टोटल चार्जेबल बेसिस पे रहता है। ओके, उसके साथ साथ ये क्लब हाउस जो है, तो जो भी पैकेज लेते हैं, पैकेज में सब कुछ लिखा होता है ना, इंक्लूडेड है, कौन सा एक्सक्लूडेड है, बट उसके अंदर लिखा होगा आपका एक्स्ट्रा स्काई जिला एडवेंचर एक्टिविटीज एडिशनल कॉस्ट पे लिखा ही होगा। ओके फाइन, ओके, तो चलिए चलते हैं क्लब हाउस। टीवी है, टेबल टेनिस है, ओके, चेस है, पूल टेबल है, पूल है, और वहाँ पर म्यूजिक वगैरह हमने लगाया है, यहाँ पे स्मॉल सा कैफे है। ओके, डाइनिंग एरिया टेंट सिटी का, और ऐसे तीन डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे भी आपका टेंट जहाँ पे भी नज़दीक पड़ता है तो वहाँ से आप जो भी आपके पैकेज में ऐड है, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, वो वहाँ से आप ले सकते हो। जो मेनू रहता है वो सेम रहता है सब जगह, और यहाँ पे प्योर वेज और जैन फूड ही अवेलेबल है, नॉन वेज यहाँ पे नहीं बनता। तो इसमें भी कितना मेहनत तो है ही, बहुत ज्यादा। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से हर एक चीज बनाई गई है, या और कितना ट्रेडिशनल अंदर डाला है टेंट सिटी के अंदर। जगह पर आपको ट्रेडिशंस दिखेगा, जिस तरह से उसको डिजाइन किया है, जिस तरह से उसको बनाया है, इट्स वेरी यूनिक सीरियसली। नहीं, रियली आ गए डीलक्स टेंट। चलिए मैं आपको टूर करवाती हूँ डीलक्स टेंट की। जैसे ही आप आते हो, सबसे पहले आपको एक रिलैक्सिंग चेयर मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे बैठ के, और जो कल्चरल प्रोग्राम रात को होता है वो वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बैठ के आप ये इधर का कल्चरल प्रोग्राम जो है वो भी आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ डीलक्स टेंट में। तो ये है यहाँ के डीलक्स टेंट, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। तो ऐसे आपको डबल बेड मिल जाएंगे, ये डिलक्स एसी टेंट है, और जो डिलक्स नॉन एसी टेंट है उसमें खाली फ़र्क इतना है कि वहाँ पे आपको एसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एसी है, सिटिंग चेयर है जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे टी कॉफ़ी मेकर है, फिर टू पानी की बोतल है, वाटर बोतल है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपको लगेज रखने के लिए, यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, जो आपका लगेज है वो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो, और ये वॉशरूम एरिया है।
सो फ्रेंड्स, तो ये है प्रीमियम टेंट्स। तो देखिए उसका लुक ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों प्रीमियम टेंट है। आपको जैसे इंटीरियर आप बाहर का देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए ट्रेडिशनली जैसे फानस बोलते हैं हम गुजरातियों में। और चलिए अंदर, और यहाँ पे देखिए सिटिंग, यहाँ पे जो है दो सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे आपको रिलैक्सिंग चेयर भी मिलेगी। ये यहाँ का सिटिंग है, और आइए अंदर। सो फ्रेंड्स, प्रीमियम टेंट में देखिए आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एक टेबल है, वहाँ पे नाइट लैम्प है, फिर डबल बेड है, फिर आपको दूसरा भी टेबल मिल जाएगा, यहाँ पे सिटिंग टेबल है, और यहाँ पे भी आपको अगर रिलैक्स करना है टी कॉफ़ी मेकर है, पानी की बोतल, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एक बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे है आपको जो लगेज आप अपने साथ लाए हो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये डिफरेंस है प्रीमियम और डीलक्स में। यहाँ से आपको सनराइज बहुत ही प्यारा दिखेगा। आप जैसे ही सुबह सुबह आप बाहर निकलते हो तो यहाँ से सनराइज का जो व्यू है वो आपको यहाँ से डीलक्स हो या प्रीमियम हो, आपको टेंट सिटी से बहुत ही प्यारा दिखेगा। आगे हैं हम जो सीएम क्लस्टर है, यहाँ हमारे पास रजवाड़ी और रजवाड़ी टेंट्स अवेलेबल है, तो हम चार नंबर में रजवाड़ी देख लेते हैं पहले। ओके, तो अभी हम रजवाड़ी टेंट देखने जा रहे हैं, वो एकदम हायर कैटेगरी होगी, राइट मैम? यस, रजवाड़ी एंड दरबारी द हायर कैटेगरीज। ओके, सबसे स्वीट कैटेगरी बोल सकते हैं। अच्छा, सब में मैम इंटीरियर अलग अलग है, ये रजवाड़ी है ना? रजवाड़ी में ये एक अलग से पूरा सिटिंग एरिया मिलता है। ओके, एक सिटिंग दो सिटिंग है, यहाँ पे भी उनके पास एसी होता है। अच्छा, सिटिंग एरिया में भी। अच्छा, सिटिंग एरिया में जो रात को चालू हो जाती है। ओके, ये है मास्टर बेडरूम। आई आई, और ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम है। ओके, यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है। रजवाड़ी में हीटर्स भी मिलते हैं, टीवी भी मिलता है। ओके, और ये यहाँ का बेडिंग तो है, एसी दो दो मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ। ये एमिनिटीज का पूरा है, यहाँ पे उनको वो भी मिल जाते हैं, रिफ्रेशमेंट स्नैक्स होते हैं ना जो, हाँ? मिनी बार होता है। अच्छा? विदाउट अल्कोहल वाला बार। ओके, वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है रजवाड़ी के लिए, रजवाड़ी एंड दरबारी के लिए। ओके, और आ जाइए, ये चेंजिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम जिसे हम बोलते हैं। ओके, एक लॉकर भी मिलता है उन्हें, उनके कुछ जरूरी सामान हो तो उसमें रख सकते हैं, उसका पासकोड उनके पास होता है। अच्छा, लॉकर भी मिल जाता है रजवाड़ी में। रजवाड़ी दरबारी में ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट प्रीमियम एंड डीलक्स में जो हमने बताया वो अवेलेबल है इसमें। ओके, ये वॉशरूम है दरबारी में, आप रुक जाइए साथ में चले जाएंगे। तो ये दरबारी टेंट है, दिस इज द बिगेस्ट टेंट दैट वी हैव, इट हैज टू बेडरूम्स एंड अ सिटिंग एरिया। अच्छा, दो बेडरूम और एक सिटिंग एरिया के साथ, और वॉशरूम्स भी होते हैं। वन टाइप ऑफ फैमिली, अगर बड़ी फैमिली है तो वो दरबारी ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ताकि उनको मतलब पूरे एक ही में वो रह सकते हैं, समझ लीजिए दो फैमिलीज ही साथ में रह सकते हैं ना। ओके, आ जाइए। हां हां, ये सिटिंग एरिया है। ओके, ये दरबारी का सिटिंग एरिया। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम है दरबारी का, और यहाँ पे भी एसी, टीवी, फ्रीज, हीटर्स, ओके, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है गेस्ट के लिए। और ये सेकंड बेडरूम है, इंटीरियर सेम ही है ना मैम? इंटीरियर वाइज इज सेम, बड़ी फैमिली हो तो वो साथ में रह सकते हैं। अच्छा, दो फैमिलीज मिलके ऐसे कर सकते हैं। मैम, अभी कुछ रहा हमारे यहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एडिशनल चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं, जैसे हमने डीलक्स, प्रीमियम, रजवाड़ी और दरबारी टेंट्स वगैरह सब लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। उसके साथ साथ ही यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ एरिया भी हैं। okay. जो एडिशनल कॉस्ट पे आप यहाँ पर जिप लाइन है, पेंडुलिंग है, बुल है, पेंट बुल है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा स्काईजिल एडवेंचर एक्टिविटी एरिया है, फॉर चाइल्ड या फिर एज में बड़ा हो सब लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर।
मैंने आपको पूरा जो टेंट सिटी का टूर है तो ये मैंने करवाया। मैंने आपको रूम कैटेगरी भी बताई, डीलक्स है, प्रीमियम है, फिर रजवाड़ी है। तो फ्रेंड्स, तो उसके जो पैकेजेस है वो सबके जो रूम कैटेगरी अलग अलग है तो उसके पैकेजेस भी अलग अलग है, तो वो सभी पैकेज मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो तो आपके पैकेज में इंक्लूड है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी है कि जो आप अपने पैकेज में अगर इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। लाइक बॉन फायर यहाँ पे होता है, फिर कैंडल लाइट डिनर अगर आपको करवाना है तो वो आप करवा सकते हो, तो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती है। तो बस ये था टेंट सिटी 1 का टूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।